Hey guys, this is Upen and welcome back to another video, friends. आज की वीडियो में हम लोग अपने रस्ट की बेसिक सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैच को पढ़ने वाले हैं. तो ये जो मैच कंस्ट्रक्ट है, ये क्या आपके एक पावरफुल कंट्रोल फ्लो टूल है जो कि आपके रस्ट लैंग में होता है. तो जैसे आपने देखा होगा, कंट्रोल फ्लो के लिए हम लोगों ने FLs यूज किया था, वैसे ही आपके प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम लोग मैच का यूज करते हैं. ये काफी पावरफुल है और ये डिफरेंट है इफ से, दैट्स व्हाई ये डिफाइंड है. अब इफ और इसमें क्या डिफरेंस है, जब हम उसकी बात करेंगे तो आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया है कि ये एक्चुअली में ये पैटर्न मैच करता है. इफ और एल्स में क्या होता है, इफ एल्स में आप एक कंडीशन डालते हो इफ के आगे, अगर वो ट्रू आई देन वो कोड रन होगा, ठीक है, अगर वो फॉल्स आई तो वो कोड नहीं रन होगा. मैच भी वैसे करता है, बट वहां पे आपके पास केवल कंडीशन मैच कराने की दो ही तरीके हैं, या फिर वो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी. बट यहाँ पे हम लोग कंडीशन ना मैच करा के हम लोग यहाँ पे पैटर्न मैच कराते हैं. हम एक पैटर्न देते हैं मैच के आगे, जैसे वहां पे इफ लिखते हैं, यहाँ पे मैच लिखते हैं, मैच एक्सप्रेशन लिखते हैं, उसके आगे पैटर्न लिखते हैं. दोस्तों ये एग्जाम्पल उठा लेते हैं सिंपल सा. मैं यहाँ पे आपको सिंटेक्स दिखाना चाह रहा था. ये हमने मैच लिखा, जैसे वहां पे इफ लिखते हैं, वहां पे हम कंडीशन पूरी लिखते हैं, यहाँ पे हमने कंडीशन पूरी नहीं लिखी, हमने केवल एक वेरिएबल लिखा है. आप क्वाइन को ऐसा समझो जैसे, लेट मी जस्ट टेक दिस एग्जांपल, इस एग्जांपल को नहीं, हम दूसरा एग्जांपल आपको दिखाते हैं. तो फ्रेंड्स, मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक लेट नंबर नाम का वेरिएबल बनाया है. नंबर में मैंने 3 सेव कराया, जब उसको तो उसको पता चल गया कि ये i32 का होगा. ये जो i32 है ये आपका रस्ट एनालाइजर दिखा रहा है, ठीक है, इसको हम लोग स्टॉप कर देते हैं फॉर नाउ. हम लोगों ने क्रिएट किया एक सिंपल सा लेट नंबर नाम का वेरिएबल, उसमें मैंने वैल्यू 3 दे दी, तो इट जस्ट टेकन इट एज अ i32. तो अब हमें पता चल गया है नंबर जो वेरिएबल है वो i32 टाइप की वैल्यूज को स्टोर कराता है. देन हम लोग मैच के आगे नंबर लिखेंगे, तो हमें क्या मैच करना होगा, पैटर्न मैच करना होता है हमें यहाँ पे. तो हम लोग यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये i32 टाइप की वैल्यूज ही होनी चाहिए जिनके साथ वो मैच करेगा, ठीक है. नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, कोई भी i32 टाइप की वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब क्योंकि यहाँ पे तो नंबर के अंदर हमने अभी 3 सेव करा दिया है, बट मैं इसकी वैल्यू को चेंज भी तो कर सकता हूँ, इसको भी 4 भी अपडेट कर सकता हूँ, इसको 4 कर सकता हूँ, 5 कर सकता हूँ. लेट मी शो यू, आगे म्यूट लिखेंगे और हमने यहाँ पे नम की वैल्यू आके अभी क्या कर दी, सॉरी नंबर इज इक्वल टू लिख दिया 5. अब इसकी वैल्यू 5 हो गई, बट नंबर क्या रहा, नंबर फिर भी एक वेरिएबल रहा जो i32 टाइप की वैल्यू को स्टोर करता है. तो यहाँ मैच हमारा क्या देखता है, वो मैच करेगा कोई भी वैल्यू जो i32 टाइप की होगी, ठीक है, वो नंबर को एक्चुअली उठाएगा और फिर वो नंबर की जो वैल्यू होगी उसको सारी जो आप कंडीशन लिखे होगे उनके साथ मैच करेगा. अब जो आप यहाँ पे लिखोगे, आप वो इसी टाइप की वैल्यूज को लिखोगे, अगर उसके अंदर 1 होगा तो वो ये वाला आर्म चला देगा, अगर उसको 2 मिला तो ये वाला आर्म चला देगा. फ्रेंड्स, ये तब तक आगे बढ़ेगा जब तक इसको मिल नहीं जाता. जिस लाइन पे इसको अपना वैल्यू मिल गई, जिसके साथ वो पैटर्न मैच हो गया, वहीं पे वो आगे फिर निकल जाता है. जैसे ही ये कोड ब्लॉक में आगे गया, फिर ये रन मैच के आगे बाहर निकल आता है. तो आप देख सकते हैं, यही अगर हमने एफ एल्स लिखा होता तो आपका कोड कितना लंबा हो गया होता, ठीक है. एफ एल्स कंडीशन में अगर ये चीज आप लिखने जाते तो ये काफी सारी आपको एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ता. इसने कितना कंसाइज बना दिया इस पैटर्न को. अभी आप कोई भी वैल्यू दोगे, ठीक है, यही कोड आपको उसमें, अभी आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू दिए होते हैं, ठीक है, ये उसमें काम करेगा. चलिए अभी हम लोग इसको रन करके देखते हैं. फ्रेंड्स, अभी हमने वैल्यू कितनी दे रखी है, 5. तो आप देख सकते हैं, लेट मी प्रिंट अगेन, द नंबर इज समथिंग एल्स. तो यहाँ पे इसने क्या करना था, इसने एक फिल्टर मानना था कि अगर उसकी वैल्यू 1 होगी तो नंबर इज 1 प्रिंट करा देगा, अगर इसकी वैल्यू 2 होगी तो नंबर इज 2 प्रिंट करा देगा. बट ये होता है दोस्तों प्लेस होल्डर. जैसे यहाँ पे एक्चुअली ये प्लेस होल्डर लगाना जरूरी है, नहीं तो ये बोलेगा कि आपने सारी कंडीशंस नहीं डाली हैं और वो एरर की चांसेस बढ़ा देता है. तो रस्ट में आपको पता है, रस्ट कंपाइलर हर चीज चेक करता है कि इसमें कोई कंडीशन छूट तो नहीं रही है. रन टाइम में कभी ऐसा तो नहीं होगा कि ये हमारा कोड को पता ही नहीं चले आगे क्या करना है. ये डेवलपर से हर चीज लिखवाता है जो कोड को चाहिए. अगर भाई ये कंडीशन आपकी मैच हुई तो ठीक है, बट अगर इसको ऐसी कंडीशन नहीं मिली तो हमारा कोड क्या करेगा. आपके कोड को बताओ, आपकी जो बाइनरी रन करेगी उसको पता होना चाहिए कि अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो क्या होगा. तो रस्ट ऐसे प्रोग्राम्स को कंपाइल ही नहीं करने देता. अभी अगर हम इसको हटा के देखें तो देखिए एरर आ जाएगा. तो यहां पे बता रहा है ensure that all possible cases are bind being handled by adding a match arm with a wildcard pattern, a match arm with a multiple pattern are shown. तो वो कह रहा है कि आपको मेक श्योर करना है कि सारी कंडीशन हैंडल हुई हैं, ठीक है, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो आप सारी कंडीशंस, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंडीशंस, आप सारी कंडीशन नहीं हैंडल करना चाह रहे हो, तो एटलीस्ट एक यहाँ पे प्लेस होल्डर लगा दो. प्लेस होल्डर क्या करेगा दोस्तों, अगर इनमें से कोई कंडीशन नहीं मैच हुई,
ठीक है, तो वो ये वाला चला देगा कोड, तो ये प्रोग्राम अपने रन टाइम को बोलेगा कि भाई ये प्रिंट करा दे तो जाके, तो आपके एटलीस्ट रन टाइम में आपकी बाइनरी को पता होगा कि उसे करना क्या है हर कंडीशन में। और फ्रेंड्स ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि गलती से आप प्लेस होल्डर कहीं पहले ना लगा दो, ठीक है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया अभी कि ये लाइन बाय लाइन चलता है, जहां इसको कंडीशन मिल गई, जहां इसको कंडीशन मिल गई ये आगे नहीं जाएगा। अभी मैंने ये प्लेस होल्डर अगर पहले लगा दिया और ये मैं आपको कोड रन करके दिखाता हूं, तो द नंबर इज समथिंग एल्स, अभी के लिए सही है क्योंकि नंबर सच में वन और टू नहीं है, समथिंग एल्स है। बट अगर मैं ये नंबर टू करता हूं दोस्तों, द नंबर इज समथिंग एल्स अभी आ रहा है, बट नंबर हमारा इसको प्रिंट कराना चाहिए था कि टू है, ठीक है गाइस। अभी लेकिन अगर मैं यहाँ पे वन डाल दूं वैल्यू, देन इज गोना रन परफेक्टली, तब ये परफेक्टली रन करेगा, द नंबर इज वन। तो ये सबसे पहला वाला आर्म को मैच करता है, अगर वहीं पे मैच मिल गया देन वो आगे नहीं जाता। तो दोस्तों पर आपने देखा ये कोड हमारा सही से काम नहीं कर रहा है, अब कंपाइलर को कोई एरर नहीं मिली, उसकी भी एक लिमिटेशन होती है, बट आप देख रहे हो कि ये सही से काम नहीं कर रहा है। कंपाइलर के लिए क्या था कि सारी कंडीशन फुलफिल हो गई, इसने कंपाइल कर दिया, बट आपको जब टू चाहिए था टू नहीं मिला, इसने बोला कि द नंबर इज समथिंग एल्स। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सारी भी देखो कंपाइलर चाहे जितना स्ट्रॉन्ग बना लो, बट डेवलपर से जो गलतियां होती हैं, डेवलपर से जो मिस्टेक होती है ह्यूमन एरर्स को वो कंप्लीटली यू नो 100% नहीं हटा सकता। इसीलिए रस्ट को भी कहते हैं कि 100% ये लैंग्वेज भी 100% एरर फ्री नहीं है, कल को क्या पता और स्ट्रॉन्ग कंपाइलर आए इसके लिए भी कुछ चेक्स डाल दें। बट क्योंकि डेवलपर जब तक ये यू नो ह्यूमन एरर आनी है, अगर कोई ह्यूमन किसी काम पे काम कर रहा है तो एरर्स की आप चांसेस 0.01% कर सकते हो, बट एरर्स आनी ही आनी है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है कि दैट्स व्हाई टेस्टिंग होती है, इसीलिए हम इसके बाद अपने प्रोग्राम के बाद टेस्ट केसेस लिखते हैं कि अगर कोई एरर आनी है तो वहां पे पकड़ में आ जाए दोस्तों। तो मैं एक यू नो आप लोगों को एक रूल बताने लगा था प्रोग्रामिंग के लिए। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। सो फ्रेंड्स ये हमारा टॉपिक था अभी, एक्चुअली हम लोगों को एक काफी अच्छा एग्जांपल इन्होंने यहाँ पर भी दिया है, ये अगर आप सुनोगे तो लाइक आप इससे कनेक्ट कर पाओगे। तो फ्रेंड्स इन्होंने बताया कि क्वाइन सॉर्टिंग मशीन क्या होती है, आपको सुन के लग रहा होगा सिक्कों को अलग अलग करने की। अब डिफरेंट सिक्के जो होते हैं, बहुत तरह के सिक्के होते हैं, 5K, 1K, 2K एंड 10 का सिक्का होता है। अब दोस्तों ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे सिक्के आते हैं, जैसे बैंक है जहाँ पे क्वाइंस ही छपते हैं, ठीक है, आरबीआई की मिंटिंग। अगर आप देख लो मंदिरों में जाकर देख लो कितने सारे सिक्के आते हैं, किसी को उन्हें छांटना है, ठीक है, अलग अलग करना है हर तरीके के सिक्कों को, तो उसको एक एक करने में लाइक लाखों सिक्के हैं, तो डिफिकल्टी होगी। और डैड एक मशीन होती है कॉइन सॉर्टिंग की, अब वहां पर भी ऐसे ही कंडीशन होती है। अब वहां पर क्या करते हैं, एक स्लाइड बना देते हैं जहां से सिक्के सारे छोड़े जाते हैं, वो स्लाइड करके नीचे जाते हैं। अब उनमें होल होते हैं, डिफरेंट साइज के होल्स होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के होल्स होते हैं, और हर सिक्का जो उसके पैटर्न से मैच करता है, जो उसके साइज से मैच करता है, यहाँ पर भी देखिए पैटर्न मैच हो रहा है, ठीक है, जैसे हम लोगों ने वहां पे किया था, जो उस पैटर्न से मैच कर रहा है उसके बाद वो वहां से सिक्का उस कंटेनर में गिर जा रहा है, एंड देन वो आगे उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, सिक्का वहीं पे गिर जा रहा है, सिक्का आपका आगे गया, आप अपना कोड समझो उस तरीके से, ठीक है दोस्तों। अब वहां पे क्या होगा, आप खुद दिमाग लगाओ, किसी ने सबसे बड़े साइज का सिक्का जो 10 का होता है उसका होल पहले बना दिया, अब 10 का सिक्का तो उसमें गिरेगा ही, 5 का 2 का सारे सिक्के उसी में गिर जाएंगे, क्योंकि हमारी सॉर्टिंग मशीन काम की, रन टाइम एरर आई ना उसमें, सेम यहाँ पे रन टाइम एरर आती है इसकी वजह से। अगर आपने ये सबसे बड़ा होल है कि अगर यहाँ पे कोई ना गिरे तो ये सबसे बड़ा वाला होल है, इसमें सब गिर जाएंगे, ठीक है, तो ये वाला आपने, ठीक है, ये 10 के सिक्के से बड़ा एक होल बना दिया, आप नहीं चाहते कि आपका सिक्का अगर कोई भी शॉर्ट ना हो तो लास्ट में कहीं पहुंचे, कि लास्ट में क्या पता वो पाइप के लास्ट पे जाते जाते कोई कंटेनर ही ना हो, या फिर कोई ऐसी कंडीशन कोई दिक्कत हो कि लास्ट तक ना पहुंचे, तो आप एक उसके बीच में बड़ा होल बना दोगे कि जो नहीं शॉर्ट हुए कम से कम उसमें गिर जाए, या कोई तो इसलिए यहाँ पे इसको बड़ा वाला होल समझो, दिस गोना बी टेकिंग ऑल द कंडीशंस, अगर कोई नहीं मैच हुई तो ये जो बिगेस्ट होल है वो कब बेटर है, सबको लास्ट में रखना बेटर होगा ना, अगर आपने बीच में बना दिया तो कुछ सिक्के जो शॉर्ट होने थे पीछे वो भी इसमें गिर जाएंगे, तो वही कंडीशन हुई कि जो हमारा टू मिलना भी था हमको, अगर हमने बीच में डाल दिया इसके तो टू की कंडीशन आएगा तो इसको द नंबर इज टू ना लिख के ये एल्स प्रिंट करा देगा, तो दिस इज द कंडीशन, सो दैट्स व्हाई आई हैव यू नो टेकन दिस एग्जाम्पल। अब आप देख लीजिए हम लोग वो सिक्के वाली मशीन का भी यू नो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग सिक्के वाली मशीन के लिए भी कोड क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एनएम क्रिएट किया जिसमें बता दिया कि इसके वेरियंट जो हैं वो पैनी है, निकल है, डीम है, क्वार्टर है, और हम लोगों ने मैच के आगे लिख दिया एक हम लोगों ने मैच के आगे एक वेरिएबल लिख लिया, लेट मी जस्ट टेक दिस एग्जाम्पल एंड शो यू ऑन द वीएस कोड एंड वी जस्ट गोना रिमूव दिस फंक्शन फ्रॉम हियर, we just gonna take this part, make it more understandable and put it here, or
तो फ्रेंड्स हम लोगों ने इसको उस एग्जांपल को सिंपल बनाया, एक हम लोगों ने ग्लोबल एनम टाइप बनाया है जिसका नाम हमने कॉइन रखा है। अब इस टाइप का हम लोग अपने मेन फंक्शन के अंदर यूज करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने एक कॉइन, उस कॉइन का एक वेरिएंट और वी कैन से इंस्टांस क्रिएट किया, ठीक है। आप देख सकते हैं उसका इंस्टांस क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने लिखा लेट कॉइन, ठीक है, और इसको कॉइन ना लिख के लेट्स जस्ट राइट एक्स वाई जेड। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है सेम नाम लिखने से, यू नो बिगनर को लगने लगता है कि हमें भी सेम ही करना है, वो इस स्मॉल कॉइन को बड़े कॉइन के साथ कंपेयर करने लगता है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ, हमने एक्स वाई जेड नाम का कोई भी वेरिएबल क्रिएट कर लिया, ठीक है, उसका पहला इंस्टांस क्रिएट किया। अब हमें मैच के आगे वो इंस्टांस का नाम लिखना है, ठीक है, हमने मैच के आगे उस इंस्टांस का नाम लिखा जिसकी वैल्यू, क्योंकि अब इस एक्स वाई जेड हमने लिया, इसकी वैल्यू को हम लोग यू नो अपडेट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई एक सिंपल एग्जांपल में मैंने उसका इंस्टांस का नाम लिखा। एंड फिर मैंने यहाँ पे जो हमारा मैच वाली मशीन है जो हर चीज मैच करती है वहां पे उसके सारे पैटर्न लिख दिए। अब जो इंस्टांस होगा वो केवल एक वेरिएंट को, आपके एनम के एक वेरिएंट को डिफाइन कर रहा होगा। वो जब आप किसी एनम का इंस्टांस क्रिएट करते हो मतलब आप उस टाइप का एक वेरिएंट यू नो जिसमें अगर वैल्यू नहीं है, इसमें क्या एक क्या पता एक वेरिएंट वैल्यू स्टोर कर रहा होता, अभी यहाँ पे वैल्यू नहीं है, तो उसका एक वेरिएंट क्रिएट करते हो बाय टेकिंग दैट वेरिएंट, आप उस वेरिएबल में स्टोर करा देते हो, ठीक है, कि भाई इस टाइप का ये वाला वेरिएंट हमारा ये वाला वेरिएबल में स्टोर है। अब आपने बट कंडीशन में क्या डाल दी है, आपने जो मैच लिखा है वो तो क्या होगा, एक यूनिवर्सल होगा, वो हर तरह की कंडीशन को मैच करना चाहिए। अब क्योंकि एक्स वाई जेड जो है वो आपका कॉइन टाइप है जो कि एनम है, उसके वेरिएंट कितने हो सकते हैं, या फिर पैनी या निकल या डिम या क्वार्टर, ये एक्चुअली नाम दे रखे हैं लोगों ने जो कॉइन्स के होते हैं, पैनी निकल डिमन, हम यहाँ पे 5 रुपीज 10 रुपीज ऐसे कर सकते थे दोस्तों, वैसे समझो यहाँ पे पैनी होता है 1, ये 5 रुपीज, ये 10 रुपीज एंड 25 रुपीज ऐसा कुछ। अब दोस्तों यहाँ पे इन्होंने हमने एक्स वाई जेड की एक वैल्यू पास कराई है जिससे ये मैच करेगा, जिससे ये मैच करेगा वो रिटर्न में मार देगा। जैसे यहाँ अगर इसने निकल से मैच किया तो ये 5 रिटर्न कर देगा मैच हमारा, अगर इसने डिम से किया तो 10 रिटर्न कर देगा, हम कौन सा दे रहे हैं डिम दे रहे हैं, तो ये क्या रिटर्न करना चाहिए, इसको 10 रिटर्न करना चाहिए। अब क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंटलन नहीं रखा, नहीं तो मैं इसको चला के दिखाता, अभी आगे चलिए प्रोग्राम में लिखेंगे इसके अंदर प्रिंटलन डालेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो इसकी आर्म होती है इसके आगे कोड रन होता है, हमने यहाँ पे सिंपल एक नंबर रिटर्न मार दिया, बट यहाँ पे हम पूरा कोड भी रन करा सकते हैं। अगर आपको बड़ा सा कोड लिखना 2-3 लाइनों का तो आपको उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखेगा, लाइक अगर हम इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर कर लें तब भी ये सही है, ठीक है। एक्चुअली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वाला कोड रन कर दो जाके, ठीक है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं कि ये उसी मशीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पैनी को उन्होंने पहले रखा है, अगर वो 1 रुपए का सिक्का है तो पहले गिरजा निकल बाद में डिम बाद उसके बाद और क्वार्टर उसके बाद, और हमने यहाँ पे एक उससे बड़ा वाला होल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि इसने सारी कंडीशन को क्या सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी। आप जब इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ भी एरर नहीं देगा, ओके लेट्स जस्ट देख, ओके कुछ एरर आया है और वो क्यों आया हुआ है, हम लोगों ने कोई मिस्टेक की है छोटी सी। तो फ्रेंड्स बहुत इसलिए मिस्टेक की हम लोगों ने एक्चुअली, यहाँ पे फंक्शन के लिए fn लिखना पड़ता है तब आप मेन लिखते हो, लिए फिर से रन करते हो। तो फ्रेंड्स इसको रन किया, अभी भी एक एरर है और देखते हैं क्या है ये एरर। कंसीडर यूजिंग सेमी कॉलन हियर, ओके तो रिटर्न क्या कर रहा है, ये एरर है दोस्तों। एक्चुअली ये हम इंटीजर्स रिटर्न कर रहे हैं और मेन फंक्शन में हम लोग कुछ इस जो रिटर्न कर रहे हैं वो मेन फंक्शन में हम इंटीजर नहीं रिटर्न कर सकते, वो यूनिट टाइप रिटर्न होता है, तो हमें इसके रिटर्न को हैंडल करना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है पेनी आएगा या फिर डिक आएगा तो ये 10 रिटर्न कर देगा, बट इसको हम हैंडल नहीं कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कंपाइलर कितना स्ट्रॉन्ग है, हर एरर बता रहा है, चलिए इसको हैंडल करते हैं। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, सिंपल सा ये जो हम लोगों ने मैच एक्सप्रेशन के बाद सेमी कॉलन लगा देंगे, क्या था मैच से जो रिटर्न आ रहा था वो डायरेक्टली रिटर्न कर दे रहे थे, अब हम सेमी कॉलन लगा देंगे तो एक्चुअली यहाँ पे कुछ रिटर्न ना होके आगे वाली लाइन पे रिटर्न होगा जो कि यूनिट टाइप होगा। तो अभी इसको अगर हम रन करके देखें तो आप देखेंगे ये रन कर रहा है, कोई भी एरर नहीं आ रही है, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पे आपसे एक एरर नहीं दी कि आपने सारी कंडीशन फुलफिल नहीं की है, क्योंकि यहाँ 4 ही तरह की कंडीशन बनी सकती है। क्या आप कोई और कॉइन टाइप यहाँ भेज सकते हो, नहीं भेज सकते, या फिर पैनी यानी कैडी में क्वार्टर, ये सारी आपने कंडीशन मैच की है। दैट्स व्हाई आपसे वो ये नहीं कह रहा है कि आप प्लेस होल्डर यूज करके एक कंडीशन और यहाँ पे डालो। दोस्तों चलिए थोड़ा सा और एडवांस एग्जांपल लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस बार मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें मैंने एनम क्रिएट की है और उस एनम में क्या है मैंने वैल्यूज भी स्टोर कराई हैं। अब आप देख सकते हैं ये क्या है, पहले मैंने बनाई सर्किल टाइप की एनम। अब सर्किल टाइप की एनम में आपको पता है कि सर्किल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए या फिर सर्किल में जो एक आप उसका डायमेंशन देख सकते हैं तो आपको रेडियस पता होना चाहिए, उसका एरिया एंड ऑल सब कुछ जान सकते हैं।
बट रेक्टेंगल में एरिया निकालने के लिए या फिर यू नो कोई भी चीज निकालने के लिए आपको उसका वेथ और हाइट दोनों पता होना चाहिए। दैट्स व्हाई वी हैव यू नो स्टोर टू वैल्यूज हियर, एंड ट्रायंगल में मैंने तीन वैल्यू स्टोर कराई हैं। अब किसी को कल को एरिया फंक्शन अगर लगाना हो, जैसे हमने बात की है, तो हम सीधा ट्रायंगल दे सकते हैं, रेक्टेंगल दे सकते हैं, सर्किल दे सकते हैं, अलग अलग वेरिएंट से वैल्यूज को इनपुट करा सकते हैं जो हमारी पहले कंडीशन थी। बट अभी हम लोग यहाँ पे एरिया नकल करा के सीधा इसकी वैल्यू केवल निकालने की, टेस्ट करने की कोशिश करेंगे, प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये जो टाइप बनाया उस टाइप के नाम यहाँ पर फिर एक वेरिएबल बनाया लेट शेप, और मैंने शेप में से कौन सा सर्किल टाइप बनाया, ठीक है, मैंने शेप में से सर्किल वेरिएंट में 5.0 क्योंकि ये फ्लोट टाइप रखा है, 5.0 वैल्यू मैंने स्टोर कराई है, ठीक है दोस्तों। अब ये 5.0 वैल्यू को हम यूज करेंगे फॉर, या फिर ये जो टाइप है हमने सर्किल का, ये हम लोग यूज करेंगे किस लिए, मैच के लिए। अब मैच में दोस्तों जब हम शेप लिखेंगे तो ये किसका वेरिएंट है, ये इस एनएम का वेरिएंट है। अगर हम लोग इसको रस्ट एनालाइजर अपना स्टार्ट करें तो ये आपको बता देगा यहाँ पे शेप कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है। ये एक्चुअली इस वेरिएंट को, सर्किल के वेरिएंट को ना रिप्रेजेंट करके ये पूरे एनएम को रिप्रेजेंट करेगा। लेट्स जस्ट वेट फॉर वन मिनट, ये आपका एनालाइजर काफी हेल्प करता है यहाँ पे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं जो शेप है इसका टाइप क्या बताया इसने, ये इस एनम का, इस टाइप का। तो अब मैच के आगे मैंने जो चीज लिखा है, जो जो वेरिएबल, वो किस टाइप का, शेप टाइप का है। तो ये आप यहाँ पे कौन से पैटर्न लिखोगे, इस शेप एनम के अंदर जितनी भी वैल्यूज आ सकती है उनको सबको, सारी कंडीशन को आप मैच करना पड़ेगा। तो आप पहला लिखोगे शेप सर्किल और उसके अंदर वैल्यू। अब क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमें यहां से मिलके आएगी, जो हमारी कंडीशंस आएंगी वो ऐसे आएगी, उसकी वैल्यू आएगी, हम यहाँ पे उस वैल्यू का एक यू नो वेरिएबल की तरह ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अंदर रख दिया रेडियस, ठीक है, शेप सर्किल और उसके अंदर जो वैल्यू थी वो क्या रखें अब, ठीक है, तो उसमें हम लोग कुछ भी एक नाम दे देंगे, ठीक है, उसका मैंने कुछ नाम दे दिया, मैंने इसका नाम रख दिया अभी रेडियस। तो अब मैं आपको एक्चुअली फ्रेंड्स एग्जाम्पल दिखाना चाह रहा हूँ कि आप पैटर्न मैचिंग से कैसे वेरिएबल्स, कैसे वैल्यू फेच कर सकते हो और उसका यूज कर सकते हो आगे। अभी तो हमने एक सिंपल सा पैटर्न मैचिंग किया जैसा पैटर्न था और वो कोड उसको रन कर दे रहा था, अब क्या हमें उसमें इनपुट भी देना होगा, ठीक है, आगे जो इसके आगे जो कोड रन कर रहा होगा, हम चाहते हैं कुछ इनपुट वैल्यूज भी दे जिनको फेच करके हमारा कोड कुछ करे। अब मैं चाहता था कि अगर वो सर्कल टाइप का हो, ठीक है, यहाँ पे तो इसके अंदर मैं कंडीशन लिख देता एरिया कैलकुलेट करने की, तो यहाँ पे पूरा फंक्शन लिख देता जो सर्कल का एरिया कैलकुलेट करता, तो उसके लिए मुझे उसका रेडियस तो निकालना पड़ता ना। तो मैंने मान लो अपना वेरिएबल दिया सेव सर्किल और उसके जो रेडियस 5 देके भेजा, और जब उसकी मैच कंडीशन आके वो यू नो मैच करेगा तो एक जेनरिक कोड होगा जो उसकी रेडियस को फेच कर सके। तो यहाँ पे पैटर्न से, पैटर्न रेफरेंसिंग से हम लोग वैल्यूज को उसके एरिया, उसकी जो वैल्यू हम देना चाहते हैं इनपुट्स को निकाल सकते हैं दोस्तों। तो मैं इसलिए आपको ये थोड़ा प्रोडक्ट एग्जांपल दिखा रहा था। अब मैं आप लोग दिखा रहा था, हमने यहाँ पे प्रिंट कर रखा है कि सर्किल का रेडियस वो प्रिंट करा दे। तो देखिए हम लोग कितना इजी फेच कर पा रहे हैं। पहले हम लोग इसको स्टॉप कर देते हैं, कोड थोड़ा सा क्लीन नहीं लगता दोस्तों। तो अभी हम इसको रन करेंगे, रन इट, कार्गो रन करते हैं। हो गई गलती से, मैंने ये लगा दिया था। एंड आप देख सकते हैं दिस इज सर्किल विद रेडियस 5, इसने प्रिंट करा दिया कि ये सर्किल है विद रेडियस 5, ठीक है। अभी फ्रेंड्स इसमें हमने ये तो प्रिंट करा दिया रेडियस 5 एंड एरिया, और हम चाहें यहाँ पे एरिया प्रिंट कराने को तो वह कैसे करा सकते हैं, लेट मी शो यू। यहाँ पे हम लोग लेट कीवर्ड बनाते हैं, लेट एरिया इज इक्वल टू, एंड वी नो दैट पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो 3.14 पाई की वैल्यू होती है, एंड देन वी जस्ट गोना मल्टीप्लाई 2 टाइम्स रेडियस हियर, एंड यहां पे हम लोग आके एरिया लिख देंगे, एंड नाउ इट कैन इजिली कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सर्किल। लेट मी शो यू, फ्रेंड्स इसको रन कराते हैं, एंड आप देख सकते हैं इट इज अ सर्किल विद रेडियस 5 एंड एरिया इतना, इसने एरिया कैलकुलेट कर दिया। अब ऐसे ही मैं रेक्टेंगल के लिए और ट्रायंगल के लिए लिख दूं तो आप देख सकते हैं जो हमने बोला था कि मैं एक सिंपल सा फंक्शन लिखना चाहता हूं, मेरा एक ही फंक्शन, उसमें मैं कोई भी शेप डालूं, ठीक है, वो कोई भी शेप डालूं, वो उसका एरिया कैलकुलेट करके दे दे। तो आप देख रहे हैं मैच कितना ईजी कर रहा है, कितना सिंपल सा एक छोटा सा कोड बना रहा है, ठीक है। आपने मैच डाला, उसने सारी कंडीशन उसने डाल दी और आपका एरिया रिटर्न कर देगा, एंड आपने एक टाइप बना दिया जिसका नाम रख दिया शेप, और उसने सर्किल, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल किसी भी तरीके की आप इनपुट दे सकते हो। अब ये टाइप आपको क्या हेल्प कर रहा है, आप एक ही इनपुट में
कोई भी शेप दे सकते हो एंड ये एक ही फंक्शन में आप ये मैच अगर डाल दो तो एक ही फंक्शन में वो कोई भी एरिया कैलकुलेट करके दे देगा। तो आप देख सकते हैं मैच एक्सप्रेशन कितना आपका कोड को सिंपल बना देता है, कितना रीडेबल बना देता है। अभी आप सोचिए यही इफ एल्स से कर रहे हो तो आपकी कितनी कोड की लाइंस बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये मैच स्टेटमेंट समझ में आ रहा हो, मैच को हम लोग कैसे हेल्प यूज करते हैं और कितना हेल्पफुल है। अभी मैं आपको बहुत ही अलग अलग तरीके पैटर्न मैच करके दिखाता हूँ दोस्तों। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं सेफ जो है ये भी एक तरीके का पैटर्न था, बट केवल ये एनएम के साथ ज्यादा यूज होता है, बट केवल एनएम के लिए नहीं है। लेट मी शो यू कि हम लोग इसको स्ट्रक के साथ भी उसकी वैल्यू फेच करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने एक स्ट्रक टाइप डाला जिसमें नेम एज एंड सिटी है, एंड देन मैंने एक मेन के अंदर उसका एक इंस्टांस क्रिएट किया जिसमें मैंने नाम दे दिया एलिस, एज इतनी एंड सिटी इतना, एंड मैंने उस टाइप पे मैच मार दिया लगा दिया है। अब वो मैच में क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो स्ट्रक की हो सकती है। अब स्ट्रक में क्या होगा, वो पर्सन होगा। ठीक है, तो अब मैंने वो मैच कराया डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न से, मैंने जो अपना वेरिएबल उसको डिफरेंट पैटर्न से मैच कराया। पहला पैटर्न हमने डाला है पर्संस और उसके अंदर जो वैल्यूज हैं मैंने पहले क्या किया है नेम एज और सिटी। आप डायरेक्टली नेम एज और सिटी कर सकते थे, वो क्या करता सारी वैल्यूज को मैच करा के फिर उन वैल्यूज को आप यहाँ पे स्टोर कर सकते थे। बट हमें मैच इसलिए थोड़ी ना यूज करना है कि उनकी वैल्यूज को फेच कर पाए, वो तो मैं डायरेक्टली पर्सन और ये लिख के यहाँ पे कर देता अगर, एंड लेट मी शो यू, वो तो मैं अगर यहीं पे लिख देता, सॉरी, और यहां पे एलिस लिख देता तब भी वो सारी वैल्यूज को निकाल देता मेरे लिए। तो फ्रेंड्स ये चीज मैंने ये करना है कि अगर मुझे ये करना है कि अगर जो पर्सन मैं जैसे मैंने यहां पे एलिस ट्रांसफर किया है, मुझे करना है यहां पे जो होगा वो पर्सन आएंगे जिनकी एज 25 है। अगर किसी की एज 25 है तो प्रिंट कराएगा हेलो द नेम फ्रॉम द सिटी यू आर 25 ईयर ओल्ड, ये मैसेज प्रिंट कराएगा। अदरवाइज वो उसकी एज को प्रिंट करा देगा। केवल 25 ईयर के बंदों को हमें फिल्टर मारना था, तो दैट्स व्हाई ये कंट्रोल फ्लो कर रहा है ना आपका, तो यहाँ से आप फ्लो कर रहे हो। तो एक यू नो एक रैंडम सा एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिखाया कि आप स्ट्रक की तरह भी यूज कर सकते हो, उनकी वैल्यूज को भी यू नो फिल्टर यूज कर पा रहे हो। आप केवल उनकी वैल्यूज को निकाल के उस पर कोड नहीं रन कर पा रहे हो, आप उनकी वैल्यूज को फिल्टर भी कर पा रहे हो। दैट्स व्हाई वी यूज मैच, और कितना पावरफुल इसका यूज केस है आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। अभी चलते हैं और ऑप्शन टाइप देखते हैं कि ऑप्शंस जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि उसके साथ हम लोग मैच कैसे यूज करते हैं। तो आप देखेंगे ऑप्शंस में मैच यूज होता काफी ज्यादा यूज होता दिखेगा, क्योंकि जो आपकी एरर्स आती है उनको एरर हैंडलिंग में मैच ही हेल्प करता है। हम लोग मैंने आप लोगों को बताया ऑप्शंस यूज करते हैं, बट ऑप्शंस के साथ एरर हैंडलिंग का पूरा कोड लिखना पड़ता है, उसके आगे जो दूसरा उसके लिए हेल्पफुल सिंटैक्स आता है वो मैच होता है। हम जाके ऑप्शंस की दोनों कंडीशन, आपको पता है ऑप्शन जो है एक एनएम है जिसके दो वेरिएंट हैं, पहला नन होगा या फिर कोई वैल्यू होगी, हम दोनों कंडीशन को मैच करके तब उस पर कोड लिखेंगे ना कि अगर नन आया तो ये प्रिंट करा दो या फिर ये करो, अगर वैल्यू आया फिर तो वो कोड रन नहीं कर रहा सही से, अगर वो सही वैल्यू दे रहा है। बट अगर उसकी वैल्यू कुछ नहीं आ रही, नन को कैसे हैंडल करेंगे, इसलिए हम लोग ऑप्शंस को यूज करते हैं। अब उसके लिए मैचिंग पैटर्न मैचिंग तो करनी पड़ेगी ना दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहां पे एक फंक्शन है जो कि ऑप्शन टाइप रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो हम ऑप्शन टाइप लेंगे और ऑप्शन टाइप रिटर्न भी कर रहे हैं। अब आप समझ पा रहे होंगे किसी कोड में हम लोग क्या करेंगे, जो उसका रिजल्ट आएगा, जो हम रिजल्ट सीधा ही यूज करने वाले थे। मैंने एक फंक्शन लिखा जिसमें से कुछ रिजल्ट आता है जिसे हमें रिटर्न करना था। अब उस रिटर्न में हम डायरेक्टली रिटर्न ना करेंगे, एरर हैंडल करने के लिए उसको एक ऑप्शन टाइप में लेंगे। ठीक है, और उस ऑप्शन टाइप पे ठीक है वो वैल्यू मैंने ली और उसको मैंने जो उसका रिटर्न टाइप था उसको ऑप्शन बनाया, और पहले हम उस पर कुछ कंडीशन लगा के उसको फिल्टर करेंगे। ठीक है, मैच क्या करेगा, तो हम उस पर मैच लगाएंगे। मैंने उसकी वैल्यू को ली, वो जो रिटर्न वो फाइनली देने वाला था, पहले मैंने उसको लिया, उस पर मैंने मैच लगाया और देखा कि वो जो ऑप्शन टाइप था वो नन तो नहीं है। अगर वो नन है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधा नन भेज देंगे। अगर उसकी वैल्यू सम है, उसकी वैल्यू में कुछ आ रहा है, तो हम वो ऑप्शन रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन टाइप ही रिटर्न होता है। यहाँ पे ये कंडीशन कुछ और है, बट एक्चुअली में हम जो एरर हैंडल करते हैं तो जो उसकी वैल्यू नन आएगी तो हम कुछ प्रिंट करा देंगे कि डैट्स, या फिर एरर मैसेज प्रिंट कराएंगे। दोस्तों यहाँ पे ये कंडीशन अलग है, इस पे आई गेस ये कंफ्यूज कर रहा होगा आपको। लेट्स जस्ट राइट दिस, मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ कि एरर हैंडलिंग कैसे होती है, उसके बाद हम एक एरर हैंडलिंग के बाद में कोड भी देख लेंगे। फ्रेंड्स मेन फंक्शन में जाते हैं और ये लिखते हैं, ये मैंने एक फंक्शन बना दिया। ठीक है, ये ऑप्शन रिटर्न करता है, अगर वैल्यू नन होती है तो ये आपका मैसेज ऐसा कुछ भेज देगा कि प्रिंट एलन एंड। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा कुछ होगा, और यहां पे मैं इसको एरर हैंडल नाम का फंक्शन बना देता हूं, एरर मैनेजमेंट नाम का एक फंक्शन बना दिया। अब ये फंक्शन आप हर रिटर्न वैल्यू पे कॉल कर सकते हो, और वो इस फंक्शन में अपनी वैल्यू जो रिटर्न भेजने वाला वो देगा, और ये फंक्शन आपका पहले चेक करेगा, अगर वैल्यू नन होगी तो ये सीधा ही प्रिंट करा देगा और ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा,
और आपके पास एरर मैसेज आएगा रिटर्न वैल्यू इज एम्प्टी, कि रिटर्न की जो वैल्यू एम्प्टी है, अगर उसमें वैल्यू होगी तो वो सम सीधा रिटर्न कर देगा और वो फंक्शन उसके बाद उस सम उस वैल्यू को रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर वैल्यू नन आ रही है उस एरर को हैंडल करने का ये तरीका होता है। तो आपको ऑप्शन के साथ ये मैचिंग भी यूज करनी पड़ेगी, मैच लिटरल आपको काफी हेल्प करता है। दिस इज हाउ वी यूज मैच। इस चीज को हम लोग आगे और देखेंगे दोस्तों, जब हम कोई यू नो लाइब्रेरीज पे चलेंगे या फिर जब मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा उनमें लाइब्रेरीज हैं वो ऐसे ही अपनी एरर हैंडल करती हैं। इसका एग्जांपल मैं वहां पे आपको और बेहतर तरीके से दिखाऊंगा दोस्तों। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा मैच इतना पावरफुल और इसे क्यों यूज करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, अगर यू नो ये सीरीज आपको लग रही है अच्छी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप कमेंट में मुझे बताते रहें कि आपको क्या अच्छा लगा और किस टॉपिक में मुझे इंप्रूवमेंट करना चाहिए। We'll meet you next video. Till then, take care. Bye-bye.